हेलो गाइस, वेलकम टू द डी ट्रैवल एक्सप्लोरर। मैं हूं धवल और आज हम जिस जगह पे जाने वाले हैं उसका नाम है पदम डुंगरी इको टूरिज्म। और इस जगह की पूरी जानकारी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में रख दूंगा। और आप नेचर लवर है और वादियाँ और झील झरने आपको पसंद है तो चलिए देखते हैं मेरे साथ पदम डुंगरी। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच गए हैं पदम डुंगरी। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, नाइस वेदर। और ये रहा पदम डुंगरी का एंट्रेंस गेट और हम जाएंगे अभी टिकट विंडो पे। ये रही टिकट विंडो और यहाँ पर पर्सन का चार्ज है 50 रुपीज़, एंट्री फीस है ईच। और यहाँ पार्किंग के लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री में पार्किंग कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने एंट्री टिकट ले ली है, तो चलो हम चलते हैं अंदर जी की तरफ। अगर आप चाहे तो यहाँ वन नाइट स्टे भी कर सकते हैं, उसके लिए रूम्स अवेलेबल है एसी और नॉन एसी दोनों। एसी रूम के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1800 रुपीज़ और नॉन एसी रूम के लिए 1000 रुपीज़। और अभी सबके मन में एक सवाल होगा कि पदम डुंगरी आखिर है क्या। पदम डुंगरी एक शिविर स्थल है जो व्यारा सिटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और उनाई गाँव से 8 किलोमीटर की दूरी पर आया है। और अगर आप बारडोली सापुतारा रोड से जाते हो तो आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर पड़ेगा। पदम डुंगरी ए सह्याद्री पर्वतमाला के बीच अंबिका नदी के किनारे स्थित है। पुराणों में जिसका उल्लेख पद्मावती नगरी के रूप में मिलता है वह आज का पदम डुंगरी गाँव माना जाता है। यहाँ रानी पद्मावती का शासन था। और इसके अलावा और एक मान्यता के अनुसार यहाँ पहाड़ियों के बीच एक हाथी झील था जहाँ अधिकतर मात्रा में पद्म यानी कि कमल जैसे फूल यहाँ थे। और यहाँ के राजा अपने हाथियों को यहाँ नहलाने के लिए लाया करते थे, जिससे इस गांव का नाम पदम डुंगरी और पदम डुंगरी पड़ा। अगर वीकेंड पे आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ भारी मात्रा में टूरिस्ट रहेंगे और यहाँ आप नहा भी सकते हो और आप यहाँ खुद की सेफ्टी रख के नहा सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ वापस कैंप साइट में और अंदर देखेंगे और क्या क्या है अंदर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एडवेंचर्स गेम्स भी अवेलेबल है, आर्चरी, ट्री वॉक एंड एक्सेट्रा।
यहाँ कैंटीन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे आप लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट सब ले सकते हैं इधर ही। तो ये टेंट्स दिख रहे हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट अवेलेबल है। चलिए तो देखते हैं एक के अंदर क्या है। इधर लिखा है कैक्टस हाउस। ये हम पहुंच गए हैं आरोग्य वन, आयुर्वेदिक वनस्पति उद्यान लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप अंदर जाओगे तो आप एक एक पौधे पे देखोगे, एक एक टैग लिखा होगा कि ये पौधे का क्या नाम है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसी कोई जगह पे जाते हैं तो वहाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन या कोई भी जात का कचरा मत फेंके, और ऐसे ही नेचुरल प्लेस की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आपका सहयोग दे। हे गाइस, अगर यार आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।